प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुग्राम में देश के पहले एलिवेटेड एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी एक रोड शो के जरिए लोगों को संबोधित करेंगे। दिल्ली गुरुग्राम नेशनल हाईवे शिव मूर्ति पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसकी चर्चा चारों ओर होने लगी है। पीएम मोदी ने कुछ तस्वीरों को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा है, आज पूरे भारत में कनेक्टिविटी के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज दोपहर करीब 12 बजे विभिन्न राज्यों में फैले 112 राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे या उनकी आधारशिला रखी जाएगी। द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन किया जाएगा। ये परियोजनाएं आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी और अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के निर्माण के हमारे प्रयासों के अनुरूप भी हैं। पीएम मोदी के इस पोस्ट को मुख्यमंत्री खट्टर ने रिपोस्ट किया है। मुख्यमंत्री खट्टर ने लिखा है, मुझे पूरा विश्वास है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का आपने जो लक्ष्य रखा है उसको पूरा करने में हरियाणा का भी सक्रिय योगदान रहेगा। आज गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे समेत जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है वह इस लक्ष्य की ओर पहुंचाने में सहायक होंगी। हर हरियाणवी विकसित भारत एम्बेसडर के रूप में अपना योगदान भी सुनिश्चित करेगा। आपको बता दें कि NH 48 से बजघेड़ा बॉर्डर तक ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी लंबाई करीब 18 किलोमीटर बताई जा रही है। ये एक्सप्रेसवे गुरुग्राम के खिड़की दौला टोल प्लाजा के पास से दिल्ली के महिपालपुर स्थित शिव मूर्ति तक बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई 29 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।